निकल पड़े हैं अपनी राहों में, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बस चलते रहो जब तक है पेट्रोल टंकी में। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। निकल पड़े हैं अपनी राहों में, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बस चलते रहो जब तक है पेट्रोल टंकी में। बस सुबह सुबह निकला हूँ एक बार फिर से। छुट्टियाँ पड़ी हैं, छुट्टियों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो बस निकल पड़ा हूँ अपने राइड पे। कितना दूर जाऊँगा, कहाँ तक जाऊँगा मुझे नहीं पता है, बस निकला हूँ। और जैसे जैसे निकलूंगा डिपेंडिंग करता है क्लाइमेट के ऊपर, जितना ठंड होगा उसके हिसाब से आगे जा पाऊंगा। फिलहाल तो नजदीक नजदीक जो करीब के स्टेट्स है उसको पहले एक्सप्लोर करूंगा, उसके बाद में फाइनल डेस्टिनेशन पे जाऊंगा। आपको तो पता चल ही गया होगा कि कहाँ निकल रहा हूँ, ऑलमोस्ट निकल गया हूँ। तो बाय द टाइम ये वीडियो अपलोड हो जाएगा आपको शायद से थोड़ी बहुत आइडिया आ जाएगी, नो प्रॉब्लम। बस अभी निकलूंगा, रेडी हो रहा हूँ, सब कपड़े रेडी है और सब अपना गियर्स वगैरह सब बांध दिया हूँ, फिर बाद में निकलेंगे। सांस फूल रही, जल्दी उठ गया हूँ, नहाया हूँ, बस अभी नाश्ता करके फटाफट निकल जाऊंगा। फिर बाकी के ब्लॉग्स आपको आते रहेंगे, देखते रहना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, मिलते रहेंगे, बाय। एक जगह पे आया हूँ, और ये बहुत फेमस जगह है यहाँ की। एक्चुअली मैंने आपको जगह का नाम भी नहीं बताया, तो मैं आपको बताता हूँ। मैं आया हूँ फिलहाल तो उदयपुर में, और यहाँ पे तो फेमस जगह है वो सबको ही पता होगा, तो बस वहीं पे आया हूँ। टाइम बहुत कम है, फटाफट जाके टिकट निकालता हूँ, फिर अंदर जाके आपको उसका नज़ारा दिखाता हूँ। फाइनली मैं अंदर आ गया हूँ उदय पैलेस के। ये सिमिलर है जयपुर पैलेस के, वो भी बहुत अच्छा है और ये भी बहुत अच्छा है, दोनों की यूनिकनेस है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सबसे पहले मैं बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, इसलिए मैंने ये ड्यूअल वीडियो चालू किया। ये इसकी फैसिलिटी है वन प्लस की, इस वजह से मुझे ये फ़ोन लेना था, क्योंकि सो दैट आई कैन यू कैन सी मी एज वेल, और साथ बाय साथ आप उसको बैकग्राउंड भी देख सको। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखना बराबर से, ठीक है। 1 2 3, कैसा लग रहा है? बहुत सही है यार, और इतनी ठंडी हवा चल रही है ना इसमें से, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा व्यू है। ठीक है, अब जल्दी से मैं आपको बाहर लेके जाता हूँ जहाँ पे मेन पैलेस है। ये रहा पैलेस, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतना एंशियंट पैलेस है और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि काफ़ी पुराना है, ऐसा लग रहा है कि आज ही बना हुआ है। हाँ, थोड़ी मेंटेनेंस थोड़ी सी लो है इसकी, बट बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है इसके अंदर। चलो फिलहाल तो इतना ही, अंदर जाके देखता हूँ क्या है उसके अंदर, जो भी देखेगा आपको मैं दिखाता हूँ। पैलेस का तो हो गया देखा, थोड़ा बहुत बंद हो गया म्यूज़ियम, क्योंकि काफ़ी लेट पहुंचा था और थोड़ा बहुत जो एक्सप्लोर करने मिला वही कर सका, उसके बाद में पैलेस बंद हो गया। तो थोड़े बहुत पिक्चर्स निकाले हैं, वो मैं डाल दूंगा इंस्टाग्राम पे, आप देख लेना। अब मैं वो लेक पिचोला की तरफ जा रहा हूँ जिसकी टिकट लेनी पड़ती है, टिकट ले लिया हूँ, जाता हूँ अंदर, टाइम बहुत कम है, फ़ोटो खींच के इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा, आप देख लेना, बाय। अब मैं यहाँ पे लेक पिचोला के पास आपको मैं दिखाता हूँ। ये लेक पिचोला आपने देखा भी होगा, बहुत से लोगों ने देखा, लेकिन मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखिए आपने। थोड़ी देर पहले मैं ऊपर था, ऊपर से इतना क्लियर नहीं दिख रहा था, तो मैं सोचा कि नीचे भी आके देखूँ, क्योंकि बहुत से लोग नीचे जा रहे थे और नीचे जाके एक्सप्लोर कर रहे थे, तो वैसे भी काफ़ी टाइम बचा है शाम को, करने के लिए कुछ है नहीं, तो सोचा कि नीचे होके आते, थोड़ा वॉक भी हो जाएगी, इस बारे लेक को नज़दीक से देख भी लेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि नज़दीक से कैसे दिखता है, नीचे आ गए हम, देख लेना, बहुत अच्छा लग रहा है यार। सनसेट तो हो गया है, बट कुछ कर नहीं सकते हैं।
लेट हो गया था आने के लिए। अच्छा ये वो रेस्टोरेंट है, ठीक है, यहाँ पे बोट जाती है अंदर इस जगह पे। तो देखो बोट तो जा रही है वहाँ पे, उसके भी चार्जेस अलग से हैं, बस बहुत अच्छा लगता है। और जो बीच में है ना उसको तो प्रॉपर रेस्टोरेंट भी है, मतलब आपको प्रॉपर डाइनिंग भी मिल सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, ये अच्छा लग रहा है देखने, वेरी नाइस। चलो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ घर के लिए, बहुत शाम हो गई है, ठंड भी हो जाएगी, फिर थोड़ा होटल में भी पहुँचना है और जितना लेट जाऊँगा उतना ठंड ज़्यादा होने वाला है। बॉम्बे से तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, इनफैक्ट धूप में इतनी लगती नहीं, बस जैसे धूप से छाव में जाओगे ना वैसे ठंड एकदम लगने लग जाती है। तो चलता हूँ होटल में, फिर आगे के व्लॉग्स में आपको अपडेट करते रहूँगा। फिलहाल तो मैं अभी तक यहीं पे रुका हूँ, सोच रहा हूँ एक बार लाइट्स चालू हो जाए तो लाइट्स के अंदर ये पैलेस कैसे दिखेगा, लेट्स सी कैसे। अब आपको मैं दिखाता हूँ इसका नाइट व्यू। ओके, नाइट में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, तभी मैंने पहले निकाला था तो इतना अच्छा नहीं आ रहा था क्योंकि लाइट्स पूरी तरह से इल्यूमिनेट नहीं हुए थे, अभी पूरा इफेक्ट आ चुका है। अब मैं आपको उसका पूरा व्यू दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए, ये पीछे का हिस्सा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। 7x7 आप लेक को भी देख सकते हैं, ये एंट्रेंस है जहाँ से मैं आया था, यहाँ से लोग नीचे जाते हैं यहाँ पे बोटिंग के लिए, वहाँ पे लोग कुछ बैठे हुए भी, और ये लेक है। बस अभी मैं निकलूँगा बाहर, जितना नाइट मोड कैप्चर करना था मैंने कर लिया, अब निकलूँगा बाहर और बाहर जाके देखता हूँ, अच्छे पिक्स लगे तो मैं अपलोड करके आपको बता दूंगा, इंस्टाग्राम पे आप देख लेना। चलो बाय। बस मैं बाहर अभी निकलने ही वाला था तो इतने सोचा कि जो मेन व्यू है फोर्ट का मैं आपको वो दिखा दूँ, एक बार देख लो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे अभी कुछ शो चालू होने वाला है, उसी के सब म्यूज़िक बज रहे हैं। बस ये शो के लिए मैं रुक नहीं सकता क्योंकि मैं काफ़ी थक गया हूँ, कल रात से गाड़ी चलाया हूँ, सोया भी नहीं हूँ और बहुत नींद आ रही है। तो सबसे पहले जाके मैं घर पे नहाऊँगा, फिर कुछ खाऊँगा, सो जाऊँगा और कल मुझे दोबारा निकलना है। कल की लोकेशन मैं आपको कल ही बता पाऊँगा, ठीक है। टिल देन बाय।